सी वानर, अब और नहीं सहूंगा तुम्हारा अनर्गल प्रलाप, अंत कर दूंगा मैं तुम्हारा। आश्चर्य है, अपने राजा और महान योद्धाओं के हताहत होने के पश्चात भी तुमने मुझ पर आक्रमण करने का तो साहस किया, तो छवानर वानर की तुच्छता लंकेश। नील युद्धरत है, ऐसे में मेरा हस्तक्षेप उचित नहीं। मुझे शेष घायल वीरों को रावण के प्रकोप से बचाना होगा। के समान स्फूर्ति है ना तुम्हारे, इसी का अहंकार है तुम्हें तुच्छ वानर। लो, मैं अपने अग्नि अस्त्र से वार कर अग्नि से अग्नि को भेदूंगा। बचो नील। इस क्रूर मायावी राक्षस ने तो नील को भी नहीं छोड़ा। जय श्री राम। चिंता मत कीजिए प्रभु, अग्निदेव के अंश है नील, उन्हें कोई क्षति नहीं पहुंचा सकेगा। अब मेरे युद्ध में उतरने का समय आ गया है। मेरे होते हुए आप युद्ध करेंगे भैया, इसका क्या अर्थ समझूं मैं? क्या आपको अपने अनुज के सामर्थ्य पर विश्वास नहीं रहा? यदि ऐसा है तो मेरा जीवन निरर्थक है, और यदि ऐसा नहीं है तो मुझे अनुमति दीजिए, मैं अभी जाकर इस दुष्ट राक्षस को परास्त करता हूँ। भ्रातः लक्ष्मण, जिस प्रकार सूर्य का तेज, पवन का वेग और बादलों का जल उन्हें बल प्रदान करता है, उसी प्रकार राम को तुमसे बल प्राप्त होता है। अटूट विश्वास है मुझे तुम पर। जाओ मेरे शूरवीर अनुज और युद्ध करो, और विजयी होकर लौटना। स्मरण रखना, रावण अत्यंत पराक्रमी है, उसकी दुर्बलता का संधान कर उसका लाभ उठाना। अब कौन सा वानर आएगा अपने प्राणों की बलि देने के लिए? ए, किसी में इतना सामर्थ्य है?
एक ही बाण में संपूर्ण वानर सेना को जलाकर भस्म कर दे ये रावण। बहुत अहंकार है तुम्हें अपने शस्त्रों पर रावण। तो आओ श्री राम के अनुज दशरथ नंदन रघुवंशी राजकुमार लक्ष्मण से युद्ध करो। शस्त्र युद्ध क्या होता है ये मैं तुम्हें बताऊंगा। लज्जा नहीं आती अपने आप को राजकुमार कहते हुए? वनों में भटकने वाले वनवासी, राक्षस राज रावण के हाथों अपनी मृत्यु के लिए प्रस्तुत हो जाओ, और इच्छा है तो अपने उस ईश्वर से भी प्रार्थना कर लो। प्रार्थना की आवश्यकता तो तुम्हें है लंकेश, परंतु पाप के दलदल में धंसकर प्रार्थना का समय भी खो चुके हो तुम। तुम्हारे पाप ही तुम्हारे विनाश का कारण बनेंगे। अपने इन शब्दों से दुस्साहस की समस्त सीमा लांघ चुके हो तुम। बाण प्रस्तुत हो। पर्वतों को काटने की क्षमता रखने वाले खुरा बाण का आह्वान किया है रावण ने। चंद्रमा की शीतलता की शक्ति से सुसज्जित है यह अर्धचंद्र बाण। मुझे विश्वास है भ्राता लक्ष्मण का अग्नि बाण रावण द्वारा चलाए गए तीव्र वेगास्त्र और भाला बाणों को भी निग्रस्त कर देगा। अत्यंत पराक्रमी है, उसकी दुर्बलता का संधान कर उसका लाभ उठाना। रावण का दंभ और उसकी उदंडता ही उसकी दुर्बलता है। उन्हें चोट पहुंचाकर मुझे उनका लाभ उठाना चाहिए। राजकुमार लक्ष्मण की।
अब स्वयं ब्रह्मा जी द्वारा दिए हुए तेजास्त्र से तुम्हारा वध करूंगा मैं। मेरे द्वारा रावण को प्राप्त हुआ ये दिव्यास्त्र तो अति घातक है, किसी प्रकार लक्ष्मण इसका सामना कर ले। शक्ति के प्रभाव को देख चुके हो, अब ब्रह्मा जी द्वारा प्रदत्त मेरी दूसरी शक्ति तरंगिनी के प्रहार को सहो। भ्राता लक्ष्मण, अनर्थ किया आपने, मुझ पर लक्षित इस अस्त्र के आघात को ते ऊपर क्यों ले लिया? आप चिंता मत कीजिए भ्राता लक्ष्मण, प्रभु ब्रह्मदेव जी की कृपा से प्राप्त हुए वरदान के कारण मुझे कुछ नहीं होगा, कोई दिव्यास्त्र मुझे बांध नहीं सकता। जय श्री राम। गर्जना को अपने कंठ में रखो रावण, और हनुमान का सामना करो। हमारे युद्ध को समाप्त करने पुनः आ गया है हनुमान। वानर, प्रतीत होता है मेरे मुष्टि प्रहार के बाद भी मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु प्राप्त करने की इच्छा क्षीण नहीं हुई। Thank you.
तुम्हारी ये इच्छा कभी पूर्ण नहीं होगी रावण, अंत तो तुम्हारा होगा मेरे हाथों। लक्ष्मण कष्ट में है, उन्हें प्रभु श्री राम के पास ले जाता हूं, इससे बाद में निपटूंगा। मुझे अनुमति दीजिए, मैं अभी जाकर इस दुष्ट राक्षस को परास्त करता हूं। अब दशानन को मेरा सामना करना होगा। प्रभु, वो अहंकारी अपने रथ पर आरूढ़ होकर आकाश की ऊंचाई से आपको देखे, आपका यह अपमान मुझे कदापि स्वीकार नहीं है। प्रभु प्रभु, मेरी प्रबल इच्छा है कि आप भी अपने वाहन पर सवार होकर उसकी ओर बढ़ें। वाहन? प्रभु, जिस प्रकार गरुड़ देव जी प्रभु विष्णु जी के वाहन हैं, ठीक उसी प्रकार आप मुझे अपना वाहन बनने की अनुमति दीजिए। प्रभु, और इस अधर्मी का अहंकार खंडित कीजिए। प्रभु, ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, महाबली हनुमान। ऋषि महान ये सबने देखी, रथ श्री राम के कपि बनी बैठी। धर्म युद्ध मह सबसे आगे, पवन तनय पे राम विराजे। प्रत्यंचाटंकार गुंजाई, रावण गिर फल न पाई। भक्त परम श्री राम के ध्याई, हनुमत बल शक्ति पर्यायी। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। कैसी ध्वनि थी ये जिसने मेरे रथ को हिला दिया? सावधान रावण, सावधान। उस वानर पर सवार ये वनवासी तो ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे कोई परम योद्धा शत्रु आखेट पर निकला हो, परंतु रोकेगा इसे रावण।
लंकेश, तुमने अपने दुष्कर्मों से सदैव धर्म और मर्यादा को भंग किया है, इसलिए अब मेरे क्रोध से बचकर तीनों लोगों में कहीं आश्रय नहीं पाओगे तुम। मेरी क्रोधाग्नि भस्म कर देगी तुम्हें। वनवासी, अपने शब्दों से नहीं, अपने अस्त्रों से शत्रुओं को पराजित करता है ये रावण। से इस वानर को ही भेज दूंगा मैं, अपने बाणों से मैं तुम्हें भेज दूंगा वानर। उसके पश्चात ये वनवासी नर स्वतः ही गिरकर धूल दूषित हो जाएगा। जब प्रभु का नाम ही पूरे संसार की रक्षा करता है तो यहां तो प्रभु स्वयं ही विराजमान है। हनुमान को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। चलाओ रावण, मैं भी तो देखूं कितना सामर्थ्य है तुम्हारे बाणों में। चलाओ। धनुष तोड़ दिया, त्रिलोक विजेता रावण हूं मैं, अनेक मायावी शस्त्रों का स्वामी हूं। Brother!
दीजिए इसका, वध कर दो इस राक्षस का, वध कर दीजिए इसका, इसे जीने का कोई अधिकार नहीं है। प्रभु वध कर दीजिए इस राक्षस का। राधा, आज के युद्ध के अंत का संकेत करें। मैं निशस्त्र और आहत हुए योद्धा पर वार नहीं करता। आज तुमने अपार पराक्रम का प्रदर्शन किया है, परंतु अब जब तुम इस दीनहीन अवस्था में हो तो मैं तुम्हें एक अवसर और देता हूं। यदि कल तक सामर्थ्य रहे तो पुनः युद्ध करने आना। आज के युद्ध की पराजय के पश्चात प्रातः लंकेश का हृदय दहल गया होगा। प्रभु, उन्हें आपकी असीम शक्ति का अनुमान हो गया होगा। यदि तनिक भी बुद्धि शेष है भ्राता लंकेश में तो अवश्य माता सीता को आदर पूर्वक लौटा देंगे। प्रभु, परास्त होकर रावण शांत बैठने वालों में से नहीं है। वो हमारा और हमारी सेना का मनोबल तोड़ने का प्रयास अवश्य करेगा, किंतु उसके मुख्य सेनापति प्रहस्त और अन्य योद्धाओं के अंत के बाद अब ऐसा कौन बचा होगा जिसे वो हमारा मनोबल तोड़ने के लिए भेज पाएगा। अभी भी महापार्श महोदर और त्रिशरा जैसे महाबली राक्षस योद्धा हैं भ्राता लंकेश के पास, किंतु वो उन्हें अभी युद्ध भूमि में नहीं भेजेंगे। अभी वो किसी ऐसे महान योद्धा को भेजेंगे जो मेघनाथ से भी अधिक बलशाली, मेघनाथ से भी अधिक बलशाली, मेघनाथ से भी अधिक बलशाली। पुत्र रावण, अभी भी बस पुनः मत छेड़िए भाई आपका अनर्गल प्रलाप। छोड़ दो सीता को, क्षमा मांग लो वनवासी से। अपने पुत्र को उचित परामर्श देना पिता का कर्तव्य होता है। अपने और अपनों के जीवन को संकट में डालना बंद करो। अपने अहंकार की तुष्टि के लिए और कितने दीपक बुझाओगे तुम? जब कुल के सभी दीपक बुझ जाएंगे क्या तब तुम्हारा अहंकार टूटेगा रावण? मान लो मेरी बात, स्वीकार कर लो पराजय। नहीं, इन कुछ दीपकों के बुझने से पराजय के अंधकार में नहीं गिर सकता रावण। रावण तब परास्त होगा जब होगी रावण की मृत्यु, और रावण की मृत्यु संभव है, क्योंकि रावण की मृत्यु का वाण स्वयं रावण के पास है। संयोग से कल के युद्ध में उस नर को विजय प्राप्त होती हुई दिखाई दी थी, क्योंकि मैंने अपनी प्रचंड शक्तियों का प्रयोग नहीं किया था। कल मेरी शक्ति से परिचित होगा वो। मेरा अनुज कुंभकर्ण असीम शक्तियों के स्वामी हैं भ्राता कुंभकर्ण। भ्राता लंकेश को अपनी शक्तियों से भी अधिक विश्वास है उन पे। किंतु कुंभकर्ण ने तो
निद्रालीन है ना, उसे समय से पूर्व नहीं उठाया जा सकता। हाँ, समय से पूर्व निद्रा भंग होने के कारण भ्राता कुंभकर्ण भयंकर उत्पात मचा सकते हैं। अतः समय से पूर्व उन्हें निद्रा से जगाना बहुत बड़ी भूल होगी। कुंभकर्ण को जगाया जाए। किंतु लंकेश, कुंभकर्ण को असम ही बलपूर्वक निद्रा से जगाना कदापि उचित नहीं होगा। लंका पर संकट मंडरा रहा है और तुम मुझे उचित अनुचित की परिभाषा समझा रहे हो। यही सर्वोचित समय है कुंभकर्ण को जगाने का। वो एक ही वार में इस युद्ध का अंत कर देगा। जाओ कुंभकर्ण को जगाओ। कल के युद्ध में हमारा सामना कुंभकर्ण से हो या किसी अन्य से, किंतु इसकी पूर्व जानकारी हमारे लिए आवश्यक है, जिससे कि हम स्थिति के अनुसार अपनी रणनीति बना सकें और सेना को पूर्व में ही सजग और सज्जित कर सकें। किंतु प्रभु, इसके विषय में हमें ज्ञात कैसे होगा? प्रभु, यदि आप अनुमति दें तो मैं लघु रूप धारण कर लंका में प्रवेश करके ज्ञात कर सकता हूँ। हनुमान, मेरी अनुमति है तुम्हें, किंतु जिस कार्य के लिए जाओ वही करके आना, पूर्व की भांति नहीं। गए थे सीता के बारे में ज्ञात करने और लंका दहन कराए। क्षमा करे प्रभु, वो तो मैंने रावण की शक्ति कम करने और उसका मनोबल तोड़ने के लिए किया था। अब प्रभु मात्र यही ज्ञात करके लौटूंगा कि रावण कल किस महायोद्धा को भेजेगा। जय श्री राम। मुझे तो ये भय है कि असमय ही जागने से क्रोधित होकर कुंभकर्ण हम पर ही आक्रमण न कर बैठे। हाँ महापार्श्व, वो हमारा अंत कर देंगे। और यही नहीं, तीव्र भूख लगने के कारण वो हमें अपना भोजन भी बना सकते हैं। किंतु यदि आज्ञा का पालन नहीं हुआ तो लंकेश हमारा वध कर देंगे। हमारे लिए तो मृत्यु दो नहीं हो रहे। मेरा संदेह सत्य प्रतीत हो रहा है। निद्रा भंग करना संकट में डाल देगा और यदि निद्रा टूट गई तो ये सबको खा जाएगा। अवश्य ही ये कुंभकर्ण को निद्रा से जगाने की बात कर रहे हैं। मेरा संदेह सत्य प्रतीत हो रहा है। यदि ये कुंभकर्ण को जगाने में सफल हो गए तो ये महाराक्षस हमारी वानर सेना में हाहाकार मचा सकता है। मुझे शीघ्र ये सूचना प्रभु को देनी होगी, किंतु यहां से जाने से पूर्व निश्चित तो कर लूं कि कुंभकर्ण ही आएगा युद्ध के लिए। इतना बड़ा द्वार। सैनिकों, स्मरण रहे, इन्हें निद्रा से जगाना सहज कार्य नहीं होगा। कुछ भी अनर्थ हो सकता है, इसलिए पूर्णतया सावधान रहे। द्वार भी खुले रखे जाएं, जिससे आवश्यकता पड़ने पर सभी यहां से भाग सकें। द्वार खोल दो सैनिकों और भ्राता कुंभकर्ण को जगाने की प्रक्रिया आरंभ करो। जो आज्ञा महापाश जी। Ah!
है साथियों? ये सैनिक तो ऐसे भयभीत हो रहे हैं जैसे मुश्कों को भेजा हो सिंह को जगाने के लिए। वायु का इतना तीव्र खिंचाव मुझे भी खींचे ले जा रहा है। ये संभल कर भ्राता, कुंभकर्ण की निद्रा भंग करना दुष्कर है। महापाश, मुझे लगता है हमारे लिए यही स्थान सुरक्षित होगा। सैनिकों, भ्राता कुंभकर्ण को निद्रा से जगाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। जी 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 महाराज। जी पाशु जी। कुंभकर्ण की निद्रा भंग करने के लिए कोई विशेष उपाय किए जाएंगे। सैनिकों, तीर कमान एवं भाले लेकर इनकी तीव्र श्वासों से बचते हुए सावधानी के साथ आगे बढ़ो। आश्चर्य, कुंभकर्ण को जगाने के लिए तीर कमान एवं भाले लाए हैं ये। न जाने आज क्या होने वाला है। सावधान, वार करो। बड़ी ही प्रगाढ़ निद्रा में है कुंभकर्ण, उचित है निद्रा में ही रहे। ये क्या, तीर एवं भाले तो इन्हें देव मर्दन का आनंद दे रहे हैं। हमें द्वितीय उपाय प्रयोग में लाना होगा। सैनिकों, महाराक्षस को उठाने के लिए महाध्वनि उत्पन्न की जाए। चित्र ही मनोरंजक दृश्य है। कुंभकर्ण तो और भी आनंद से सो रहा है। तीव्र बजाओ। इतनी ध्वनि से कुछ नहीं हो रहा है, और वाद्य लेकर आओ। कुंभकर्ण को लोरी नहीं सुनानी है, उन्हें निद्रा से जगाना है। शोर मचाओ शोर। ये कर्कश ध्वनि, ये इतने विचित्र से वाद्य क्यों बज रहे हैं लंका में? कुछ भी करके आज कुंभकर्ण को जगाना ही होगा। तब कल उस नर और उसकी सेना का अंत हो जाएगा।
इस प्रकार तो ये महाराक्षस जाग ही जाएगा। वानर सेना के लिए बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। ये मेरे साथियों के लिए वहां संकट बने, उसके पूर्व ही मुझे यहां कुछ करना होगा। पर है ये राक्षस, ये तो पूर्ण रूप से निद्रा में चला गया। महोदय, ये किस कार्य में लंकेश ने हमें फंसा दिया? हाँ भ्राता, यदि उठ गया तो हमें खा जाएगा, और यदि नहीं उठा तो लंकेश हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। हमारे भाग्य में तो अपने ही भाइयों के हाथों मृत्यु लिखी है। महोदय, लंकेश का आदेश है, इसे उठाना तो होगा ही। क्यों ना हम तृतीय उपाय का प्रयोग करें, लंका के समस्त हाथियों को लाया जाए। ओह, और बड़े प्रयास। इस विशाल राक्षस की निद्रा भंग करने को विकराल हाथियों का झुंड मंगवाया जा रहा है। बड़ा ही निद्रा प्रिय है ये राक्षस, इसकी निद्रा को तो विशालकाय हाथी भी नहीं तोड़ पा रहे। इस महाराक्षस को तो ये हाथी भी मूषक के समान प्रतीत हो रहे होंगे। प्रतीत होता है भ्राता कुंभकर्ण जागने वाले हैं। मूर्ख हैं ये सब, सोने देना चाहिए इस महाराक्षस को। यदि ये जाग गया तो हमारी सेना से पूर्व इन्हें ही मार डालेगा ये। अब तो मात्र अंतिम उपाय बचा है। भ्राता कुंभकर्ण को भोजन बहुत ही प्रिय है, विशेष रूप से रक्त एवं मांस। इन्हें अधिक सबसे अधिक रुचिकर लगता है। यदि भोजन से इनकी निद्रा टूट सकती है तो ये भी करके देख लेते हैं। सैनिकों, शीघ्र ही भोजन की व्यवस्था की जाए। जी महोदर जी। जी महोदर। चलो, यदि ये अंतिम उपाय सफल नहीं हुआ ना महोदर, तो हमारे जीवन का भी अंत हुआ समझो। है तो ये राक्षस ही, रक्त पिएंगे, मांस खाएंगे, राक्षसी वृत्ति नहीं छूट सकती इनकी। किंतु कहीं ये राक्षसी उपाय सफल हो गया तो? भोजन की गंध को और बढ़ाओ, इनके नासिका के पास तक लेकर जाओ भोजन को। प्रतीत हो रहा है राक्षसों का यह राक्षसी उपाय सफल हो जाएगा। सावधान, भ्राता कुंभकर्ण की निद्रा टूटने वाली है। महोदर, अभी तक तो यह भय था कि इनकी निद्रा टूटेगी या नहीं, अब यह भय है कि कहीं असमय इनकी निद्रा टूटने से कोपित होकर हमारी बात सुने बिना ही अर्धनिद्रा अवस्था में हमारा यंत्रणा कर दे। पहले तो सिंह की मांद में प्रविष्ट हुए और अब
मुश्कों की भांति भय के मारे कांप रहे हो? पशु भी अन्यथा ये हमें ही खा जाएंगे। महोदर जी, महोदर जी, कुछ नहीं बचा, भोजन के लिए कुछ नहीं बचा। सेवकों के साथ वाटिका में जाओ और सारे फल तोड़ कर लाओ। भोजन लाओ। महोदर जी, वाटिका के सारे फल भी समाप्त हो चुके हैं। हाँ महोदर, फल भी समाप्त हो चुके हैं। कहाँ से लाए भोजन? कुछ भी शेष नहीं बचा। अब क्या अपने आप को भेंट कर दूं? अब तो बिना किसी ध्वनि के यहाँ से चुपके से निकल लो, अन्यथा कहीं हम भी इनका भोजन न बन जाए। मैं जानता था कि यही होगा। अब स्वयं इसका भोजन बनकर मिटाओ इस राक्षस की भूख। रुक जाओ, मेरी निद्रा टूटने से पूर्व मेरे लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? कहीं तुम सबने मेरी निद्रा के 6 माह पूर्ण होने से पूर्व तो नहीं उठा दिया मुझे? मौन क्यों हो? मेरे प्रश्न का उत्तर दो। क्या इसी माह में मुझे उठाया जाना था? इतनी बड़ी भूल, पहली भूल कि तुमने समय से पूर्व ही मुझे उठाया, और दूसरी भूल कि मेरे जागने से पूर्व मेरे लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन की व्यवस्था नहीं की। इन दोनों महाभूलों के लिए तुम्हें दंड मिलेगा, दंड मिलेगा तुम्हें। अब तुम सब मेरा भोजन बनोगे। हाँ।
लंका पर संकट छाया हुआ है। लंकेश का जीवन भी संकट में है। हाँ भ्राता, आपातकाल है, लंका महासंकट में घिरी हुई है, इसीलिए लंकेश ने स्वयं आपको जगाने का आदेश दिया है और शीघ्र ही आपको बुलाया है। लंका पर संकट, यदि ये विकराल राक्षस युद्ध भूमि में आ गया तो हमारी वानर सेना के लिए काल के समान सिद्ध होगा। ये क्षण भर में विनाश मचा देगा ये हमारी सेना में। बहुत बड़ा संकट है ये महाराक्षस। कुंभकर्ण के होते हुए लंका और लंकेश पर किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आ सकता। चुटकी में मसल कर रख देगा कुंभकर्ण भ्राता श्री लंकेश के हर एक शत्रु को। घुटने टेकेगी नहीं, प्रभु श्री राम की वानर सेना है ये। ये शत्रु के घुटने टेकवाएगी, रावण चाहे किसी को भेज कर देख ले। हनुमान। प्रणाम प्रभु, कुंभकर्ण को भेजने वाला है रावण। प्रभु, लंका में रावण के आदेश पर कुंभकर्ण को जगा दिया गया है। मेरु पर्वत के समान विशाल काया है उसकी, महाविकराल राक्षस है वो प्रभु। तो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए भ्राता रावण ने असमय ही भ्राता कुंभकर्ण को निंद्रा से जगा दिया। कल युद्ध भूमि में इनसे सामना होगा। चलते फिरते पर्वत की भांति दिखाई देता है ये महाविकराल राक्षस। ये महाराक्षस इतना भूखा था कि जागते ही राजभवन का सारा भोजन खा गया, वाटिका के समस्त फल खा लिए। ये तो समस्त लंका को ही अपना ग्रास बना लेता, किंतु रावण को संकट में जानकर रुक गया। बहुत आदर करते हैं भ्राता रावण का वो, इसीलिए रुक गए, अन्यथा उन्हें देवता भी नहीं रोक सकते थे। बचपन से ही उन्हें तीव्र शुधा लगती थी, ऐसा लगता था जैसे समस्त संसार को ही खा जाएंगे। बहुत सारे चमकते हुए फल दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तो अनेक फल है खाने को, इन सबको भी उद्रस्त करता हूँ। हाँ, ये तो सूर्य की भांति तप्त है, इसे भी खा लेता हूँ, बड़ा आनंद आएगा। और क्या खाऊं, और क्या? वो क्या है, रजत की भांति चमकता हुआ? इसकी तो क्षुधाई शांत नहीं होती, ऐसा ही रहा तो ये शीघ्र ही सारी सृष्टि को उदरस्त कर लेगा। समस्त देवता चिंतित हो उठे थे, उन्होंने समस्त सृष्टि को तहस नहस कर दिया था। अब वो सभी ग्रहों के बाद चंद्र ग्रह को खाने के लिए आगे बढ़ रहे थे, तब उन्हें रोकने के लिए देवराज इंद्र को आना पड़ा। बस रुक जाओ रक्ष बालक,
ठीक है, रुक जाता हूँ। मैं देख रहा हूँ तुम मेरे लिए अच्छा और स्वादिष्ट भोजन जो लाए हो। भोजन मैं लाया हूँ? हाँ, वो छोटा सा श्वेत हाथी, उसे खाने में बड़ा आनंद आएगा कुंभकर्ण को। इसके पूर्व ही मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तुमने अपनी क्षुधा को शांत करने के लिए इस सृष्टि को बहुत क्षति पहुंचाई है। मैं तुम्हें रोकने आया हूँ। तुम मुझे रोकोगे? ठीक है तो रोक के दिखाओ, मैं इस हाथी को खा कर दिखाता हूँ। वाह, बहुत सुंदर हो तुम, स्वादिष्ट भी होगे। ओहो, कहाँ चले गए तुम? बहुत उत्पात मचा लिया तुमने। मुझ पर प्रहार किया तुमने? उतर जाओ इस हाथी पर से, अन्यथा मैं तुम्हें भी इस हाथी के साथ खा जाऊंगा। ये ऐसे नहीं मानेगा, यहाँ से जाने में ही भलाई है। अंततः इंद्रदेव को भी निराश होकर लौटना पड़ा। भ्राता लंकेश, भ्राता लंकेश, भ्राता लंकेश, आपका अनुज कुंभकर्ण आपकी सेवा में उपस्थित है भ्राता श्री। प्रणाम भ्राता श्री। कुंभकर्ण मेरे अनुज, कितनी व्याकुलता से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। शीघ्र बताइए भ्राता श्री, ऐसा कौन है जिसके कारण लंका संकट में है? कौन है वो जिसके कारण असमय ही आपको मुझे निद्रा से जगाने की आवश्यकता आन पड़ी? वो शत्रु कोई भी हो, उसे मैं क्षण भर में ही मसल दूंगा। कुंभकर्ण, तुम्हारे निद्रा से जागने का अर्थ ही है शत्रु का चिर निद्रा में लीन हो जाना। मृत्यु की नींद में सोने का समय आ गया है उनका। परंतु मुझे शीघ्र बताइए कौन है वो शत्रु? वो शत्रु है अयोध्या का एक वनवासी। उस वनवासी के उकसाने पर उसके अनुज ने हमारी बहन सुपनखा की नाक को काट कर उसे अपमानित किया। उसके बाद हमारे भाई खर और दूषण सहित 14 सहस्त्र राक्षसों का वध किया। उससे प्रतिशोध लेने के लिए मैंने उसकी पत्नी का अपहरण किया। तो उसने एक वानर को भेजकर राक्षकुमार सहित अनेक राक्षस योद्धाओं का वध करके हमारी लंकापुरी को जला दिया। मैंने उन्हें साधारण नर और वानर समझने की भूल क्या की, वो तो वानर सेना को लेकर समुद्र पार कर लंका तक पहुंच गए। उन्होंने हमारे मुख्य सेनापति प्रहस्त सहित कई राक्षस योद्धाओं का वध किया। मेघनाथ का प्राण घातक नागपाश भी उनका कोई अहित नहीं कर सका। इसलिए मैंने तुम्हें निद्रा से उठाने का आदेश दिया। तो उचित ही तो किया उस वनवासी ने। अति पर अंकुश लगाना अनिवार्य होता है।